और आप देख रहे हैं कि किस तरह से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और दीपक पुनिया कोच ने जो कही है बात उसका पालन कर रहे हैं, लगातार खींच रहे हैं, भगा रहे हैं। वो देखिए हाथ अड़ाकर टाइम पास करना चाहते हैं। हारता हुआ पहलवान कभी इस तरह टाइम पास नहीं करता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये स्थिति भी निर्मित हो जाती है। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने और बहुत बढ़िया हमें एंगल मिला वो देखने के लिए कैसे हाथ अड़ाया पेट पे दीपक पुनिया के इनाम ने। और इस बार दीपक बचे हैं, बस 20 सेकंड और बाकी हैं। इनाम अब डेस्परेट हो रहे हैं कि एक मूव लगाएं, पर दीपक मूव नहीं लगाने दे रहे। दीपक के पास कंट्रोल है, दीपक पुनिया के पास भारत का समर्थन है और अब दीपक पुनिया के पास कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल भी है। 3-0 से दीपक पुनिया ने भारत को रेसलिंग का तीसरा गोल्ड मेडल दिलवाया है।